એટલે આજે એ જો મંદિર હે ના ઉસકે બાજુમાં દૂસરા જરૂખા હૈ ઉસમે બ્લેક લિખા હૈ જો ગ્રામીણ લિપિ કે બાવલી પર બની થી ખાસ યહાં પર રાજા જી કા કામ હૈ ઇન્સ્ક્રિપ્શન પૂરી સ્ટોરી લિખી આપ યહાં દૂસરા કે જાય કરતે ऐसे सामने જરૂખા હૈ ઉસમે નાઇન કલશ હૈ જો નવ દુર્ગા કા અવતાર માના જાતા હૈ આ ચોથે પે જાયેંગે તો વહાં સમુદ્ર મંથન હૈ ઓર પાંચમી મંજિલ પર રાજા ને નવગ્રહ કા નિર્માણ કિયા ગયા હૈ તો એસે હિન્દુ ધર્મ કે કલ્ચર સે પાંચ આપ લોગ નીચે જાયેં તો નીચે દેખના લકડી કા કટ રખા હોગા ઓર કુએ કે ઉપર જાલી લગાઈ હૈ તો વહાં સે નીચે 30 ફીટ ગહેરા કુઆ હૈ 30 ફીટ ડીપ કુઆ હૈ ઉસકે પીછે દૂસરા કુઆ હૈ જો ઓપન વેલ જો એરિગેશન એનિમલ કે આગે વાળા જો કુઆ ડ્રિંકિંગ વોટર જો સેકન્ડ વાળા કુઆ આપ યહાં સે ઉપર જાકે તો ઉપર સાબ દો કુઆ દેખ સકતે હો જો પીછે વાળા જો કુઆ હૈ જો 51 ફીટ ગહેરા કુઆ હૈ અભી યે પાણી કા કોઈ યુઝ નહીં હૈ જો 40-50 સાલ પહેલે જો આપ લોગ યહાં સે પાણી પીતે થે લેકિન અભી ક્યા થા બોર કુઆ સબ સુવિધા ઘર પે હો ગઈ ઇસલિયે કા કોઈ યુઝ નહીં અભી અભી સિર્ફ પવિત્ર માન કે પૂજા કે લિયે પાણી કા યુઝ કરતે હૈ બાકી કો દૂસરે યુઝ અભી નહીં અભી જો બારિશ હોતી હૈ ના તો વોટર લેવલ એક મંજિલ તક પૂરા પાણી ભરતા હૈ ઇતના મેને ખુદ દેખા હુઆ હૈ લેકિન ઇસ સાલ થોડી બારિશ કમ હૈ ના પાણી ઇતના નહીં આયા અભી આધા કુઆ પાણી હૈ પર 80-90 સાલ પહેલે યહાં તક પહોંચા જો ગાંવ કે જો લોગ હૈ તો મુઝે બોલ રહે કે હમ જબ છોટે થે તો યહાં તક હમને પાણી દેખા હૈ જો યહાં બેઠને કે લિયે કોઈ સીધી આતે હૈ ના તો બોલતે હૈ મુઝે તો ઉન્હોને દેખા મેને તો દેખા મેને દેખ મંજિલ તક દેખા ये पूरा भरा हुआ हाँ पूरा भरा हुआ था उस समय में जब यह बावड़ी बनाने का काम चालू था तो उस समय में एक राजा था मोहम्मद बेगड़ा जो मुसलमान था उन्होंने यहाँ टैक्स के लिए उन्होंने चढ़ाई की थी चढ़ाई की तो यहाँ युद्ध हुआ था और युद्ध हुआ तो यहाँ का जो राजा था हिंदू राजा वीर सिंह वाघेला तो मोहम्मद बेगड़ा ने उनको मार दिया जो हिंदू राजा की जो पत्नी थी रूड़ाबाई तो मोहम्मद बेगड़ा को उनके साथ शादी करना था लेकिन हिंदू धर्म में एक ही बार शादी होती और मुसलमान था उसमें वो मंजूर नहीं था तो फिलहाल उन्होंने कहा कि हमर राजा जो थे तो बावड़ी का काम कर रहे थे आपको ने मार दिया है तो बावड़ी का काम थोड़ा आधा पड़ा हुआ है आप उनको पूरा कर दीजिए तो आपके साथ मैं शादी करूँगी तो उन्होंने कहा ठीक है तो मोहम्मद बेगड़ा ने बाकी ने काम पूरा किया इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों काम के अंदर मिक्स है फिलहाल उन्होंने कहा कि हमने बावड़ी का काम पूरा किया है तो आप मेरे साथ अब शादी करो तो उन्होंने कहा ठीक है अपने बावड़ी कैसे बने या किस तरह बने उस माने से रानी नीचे गए अंदर उन्होंने आत्महत्या कर लिया सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको उनके साथ शादी करना नहीं था और बावड़ी का काम उनको पूरा करना था उनका धर्म बचाने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये बावड़ी इसलिए इतनी बड़ी बनाई गई थी कि यहाँ का जो राजा था उन्होंने विचार कहकर जनता को पानी मिल सके जो मजदूर थे तो उनकी रोजी मिल सके और पानी का स्टॉक रहे और मनुष्य पानी पीकर कर विश्राम कर सके कोई आराम कर सके उसने पूरी पाँच मंजिल की बावड़ी बनाई वो भी मोहम्मद बेगड़ा ने बाकी बावड़ी का काम आधा छोड़ा हुआ पूरा नहीं किया था उन्होंने रानी को झूठ बोला था कि हमने बावड़ी का काम पूरा किया है लेकिन अभी भी बाकी है ओ अच्छा आप यहाँ से सेंटर में खड़े रहकर देखा सामने के एंट्री पर तो वहाँ दो पिलर्स बनाए होंगे बड़े बड़े जो पूरी एंट्री बनाई गई है पूरी आपने जो यहाँ से एंट्री की तो वहाँ देखना आधा बनाया और आधा बाकी है और तीसरी एंट्री पर उन्होंने बनाया नहीं तो तीन एंट्री का ऐसा गेट बनने वाले राजा ने आधा काम छोड़ दिया जो जाली देखा अपने ऊपर वाली हाँ। तो जाली को प्रॉपर जो मंदिर में जो घुमटा था ऐसा घुमट के काम था तो फिर राजा ने आधा काम छोड़ दिया एक जो घुमट आप यहाँ देख सकते हैं देखिए देखा आपने हाँ ये रहा अच्छा वो बनाना था वो नहीं बनाया राजा ने मोहम्मद बेगड़ा ने भी चीटिंग किया हाँ झरूखा देखा अपने चारों झरूखा उसी समय में टेम्पल था मंदिर था अंदर हिंदू राजा को अंदर भगवान की मूर्तियाँ लगानी थी लेकिन हिंदू राजा रहे ना उसके काम आधा पड़ा हुआ है आप यहाँ से एग्जिट ऊपर में देखना जो पूरी ब्रिज की बनाई गई है ऊपर मुसलमान के काबिन भी है हाँ तो जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ना उसी समय में सिक्योरिटी पॉइंट के लिए बनाई और उस समय में ये बावड़ी बनाने में 5,111,000 का खर्चा हुआ था उतनी राजम की सोना मुर ने खर्च की थी और 1,00,000 का ऑयल हुआ था तेल जो पहले को साधन तो थे नहीं पहले जो बुलेट कार थे बैलगाड़ी बड़त गाड़ी थे पहला तो बुलेट कार के अंदर पत्थर आने लाने में सभी पत्थर राजस्थान इडरगढ़ से लाया गया सभी सैंडस्टोन है तो बुलेट कार के अंदर पत्थर लाए होंगे तो उनको पहियों को ऑयल कर देंगे 1,00,000 रुपये का ऑयल हुआ था आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर से देखना इंजीनियर के कमरा भी है हाँ। तो जिन्होंने मोहम्मद बेगड़ा ने मार दिया हाँ। कि ऐसी दूसरी इमारत न बना सके उस लिए जब अंत में ये बावड़ी 200 साल तक ऐसी हालत में पड़ी उनका कोई यूज नहीं था तो यहाँ से वसंत पंचमी के दिन पांचों संतों के साथ भगवान स्वामीनारायण यहाँ से गुजर रहे थे अंदर उन्होंने अंदर स्नान किया
जो रानी मर गई थी तो स्वामी भगवान के प्रभाव से रानी को मोक्ष मिला और रानी का दूसरा जन्म कुशल कुंवर बनाम से धर्मपुर गांव में हुआ। तब से लोग पानी का यूज कर रहे हैं। रीइंकार्नेशन कुशल कुंवर बनाम से कुशल इतनी स्टोरी है। थैंक यू।